बडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के इंजेक्शंस के बारे में, मतलब नी इंजेक्शंस फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द नी, मतलब घुटने के इंजेक्शंस जो हम घुटने के घिसने के कारण हम लगाते हैं। नाउ बहुत से डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप इंजेक्शन लगा लो, बहुत पेशेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, और सुनने के लिए तो ये बढ़िया है, ऑपरेशन से बच गए आप इंजेक्शन लगा के, क्योंकि आप वाकई में ये हेल्प करते हैं। और क्या क्या तरीके के इंजेक्शंस होते हैं हमारे पास, तो तीन मेजर टाइप ऑफ इंजेक्शंस है जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम यूज करते हैं। नंबर वन, स्टीरॉयड इंजेक्शन। एक तो आप निश्चिंत रहिएगा, स्टीरॉयड नाम सुन के टेंशन हो जाता है आदमी में कि ये स्टीरॉयड है तो हमारे किडनी लिवर को इफेक्ट करेगा। नहीं, ये एक लोकल स्टीरॉयड है। याद रखिएगा, स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड सूजन को कम करता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब आर्थराइटिस हो, घुटना घिसता है तो अंदर सूजन हो जाती है, पानी भर जाता है। नाउ ये पानी क्यों भरता है, क्योंकि घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है जिसका काम है घुटने का ल्यूब्रिकेंट बनाना, वो जरूरत से ज्यादा बनाता है, क्योंकि धूल उड़ जाती है अंदर की तरफ और वो इरिटेट हो जाता है। जब ये होता है, ये सूजन को कम करना होता है। जब बॉडी अपने आप कम नहीं कर सकती, ये जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन है ये वो सूजन को कम करती है। मिसाल के तौर पर आई ड्रॉप की तरह, जब आपकी आंखों में आंखें जो है लाल हो जाती है, आप आई ड्रॉप लगाते हो, वो थोड़ा ठीक हो जाता है थोड़े समय के लिए। वैसे ही जब आप इंजेक्शन लगाते हो वहाँ, तो ये सूजन थोड़ी कम होती है। उसके साथ साथ जो बचा कुचा एक्सेसिव ल्यूब्रिकेंट है वो आप निकाल देते हो, तो थोड़े दिन तक आपको राहत मिल सकता है। कितने दिन, हो सकता है 2-3 हफ्ते, तो कभी कभी 1 साल भी, डिपेंडेंट ऑन कितना आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। और कौन सी इंडिकेशन में लगाना चाहिए ये, जब दर्द हो, पर दर्द एकदम से बढ़ गई हो थोड़े दिन से और बहुत सूजन दिखाई दे। तो दर्द दो कारण से हो सकता है, एक है आर्थराइटिस की वजह से, घिसने की वजह से, दो है ये सूजन पैदा करने की वजह से। कभी कभी इंजेक्शन से ये सूजन वाली दर्द है वो कम हो जाती है, पर वो ओरिजिनल वाला दर्द रहता है, तो ये पूरी तरीके से आपको ठीक नहीं करेगा, पर थोड़ा राहत दे सकता है। दूसरा है पीआरपी। पीआरपी क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम क्या करते हैं, तो खून में तीन तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो आपके खून को लाल करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बेसिकली इन्फेक्शन से लड़ते हैं, या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स घुट आपके जो घावों को, जो ब्लीडिंग होती है उसको वो रोकती है, क्लॉट बना देती है। नाउ इन प्लेटलेट्स में देखा गया है काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जो सूजन कम करती हैं। तो इस पीआरपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का खुद का खून निकालते हैं तकरीबन 10 ml, हम एक मशीन में लगाते हैं जिसको हम एक सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये तकरीबन 600 रेट पर मिनट पे रोटेट होती है, तो उसको लगाने के बाद प्लेटलेट वाला पोर्शन जो है खून का वो सेपरेट हो जाती है ऊपर। फिर हम एक इंजेक्शन में लेते हैं उसे, और मैं उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा घुटने के अंदर लगा देता हूँ। इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक घुटने का सूजन कम होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये आप ही के बदन का खून आप वहाँ लगा रहे हो। क्या ये आपके आर्थराइटिस को ठीक करेगा, नहीं, ये आपके आर्थराइटिस को तो ठीक नहीं करेगा, ये आपके दर्द को थोड़ा कम कर सकता है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो इसका लुत्फ उठाना ऑपरेशन से पहले, अगर आपकी बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस नहीं है, आपको इसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। फिर आता है हायलुरोनिक एसिड। नाउ ये क्या है, ये एक महंगी इंजेक्शन आती है, इसमें एक सब्सटेंस है हायलुरोनिक एसिड जो हमारे घुटने की जो ल्यूब्रिकेंट है उसमें भी है। तो ये क्या बोलते हैं ये कंपनी, कि आप ये लगा दो तो ये घुटनों के चारों तरफ एक कवरिंग बनाती है जो थोड़े समय तक लास्ट करती है। ये महंगी है, तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप समझिए कि इससे आपकी आर्थराइटिस ठीक नहीं होने वाली,
क्योंकि आपका पूरा पैसा लगा है, अगर खुद का पैसा लगा है तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपके डॉक्टर ने आपको चीट किया है। इसमें एक थोड़ी सी टेम्प्रेरी रिलीफ मिल सकती है, पर ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसमें और पीआरपी में कि ये कुछ करती है अंदर की तरफ और आपके ऑपरेशन को डिले कर सकती है। पर कई लोगों को इससे राहत मिली है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस है, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। लकीली इसकी और पीआरपी की और इवन स्टीरॉयड इंजेक्शन की ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ऑपरेशन से पहले अगर आप कन्विंस नहीं हो और आपको लगे ना कि अभी तक मुझे वेस्ट इतनी हो गई है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।